नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर की वीडियो लेकर आ चुका हूं। ये क्विज़ इसमें 27 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आपको वीकली करंट अफेयर में दिया जाता है। दोस्तों, हर बार टाइम पर दिया जाता था, इस बार ईबुक के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीक है इसके बाद 2 फरवरी से लेकर के बाकी का उसको कवर करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग 27 जनवरी से 2 फरवरी तक के करंट अफेयर को रिवाइज़ करेंगे। तो रूल्स आपको पता ही होगा, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 से 4 सेकंड का मौका दिया जाएगा, उसी में आपको आंसर करते रहना है। जल्दी जल्दी फटाफट आपको आंसर करना है, ऑप्शंस के नंबर आपको डाल देने हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं और आपको कंप्लीट करने में मज़ा आए। इसकी क्विज़ आपको मिश्रा जी टेक्निकल ऐप पर मिलेगी, आपको पता ही होगा। इसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चंस के क्विज़ दिए जाते हैं, जो कि मिश्रा जी टेक्निकल ऐप पर ही आपको मिलेंगे। वहाँ पर आपको हर प्रकार की वीडियो, ऑडियो रिविजन, PDF फाइल्स और ई बुक्स वगैरह मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने व्यक्तियों को 2020 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए गए या प्रदान किए जाने की घोषणा हुई। तो कितने लोगों को पद्म विभूषण दिए जाने हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए। तो बिल्कुल सही, जिन लोगों ने 7 लगाया आंसर उनका करेक्ट है। 7 लोगों को पद्म विभूषण दिए जाएंगे। इस बार भारत रत्न किसी को नहीं दिया जाएगा, पद्म विभूषण का नंबर उसके बाद आता है, यानी कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। तो 7 लोगों को, 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। 16 व्यक्तियों को दिया जाएगा पद्म भूषण, जो कि तीसरा नागरिक सम्मान होता है सबसे बड़ा भारत का, और 118 व्यक्तियों को दिया जाएगा पद्मश्री अवार्ड। टोटल 141 व्यक्तियों को दिया जाना है इस बार पद्म अवार्ड, ठीक है। भारत रत्न इस बार किसी को नहीं दिया जाएगा, इसका ध्यान रखना है आपको। तो टोटल 141 व्यक्तियों को दिया जाएगा। 7 लोगों के नाम हम लोग जान लेते हैं जिनको पद्म विभूषण मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जरूर। तो उनके नाम हैं, एक तो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को दिया जाएगा, स्वर्गीय अरुण जेटली जी को भी दिया जाएगा, मैरी कॉम को दिया जाएगा, जॉर्ज फर्नांडिस को दिया जाएगा, अनिरुद्ध जगनौत, छनुलाल मिश्रा और विश्वेश्वर तीर्थ, इन सभी को, इन 7 व्यक्तियों को दिया जाएगा इस बार पद्म विभूषण। नेक्स्ट, 25 जनवरी 2020 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, जल्दी से बताइए कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो हिमाचल प्रदेश ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया 25 जनवरी 2020 को। अच्छा, पद्म पुरस्कारों पर दोस्तों मैंने आपको वीडियो दी हुई है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ई पासपोर्ट सुविधा शुरू की। ई पासपोर्ट सुविधा किसने शुरू की है, ये शुरू करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना था, कौन सा है वो देश, बांग्लादेश, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है, भारत के 71वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ब्राजील के प्रेसिडेंट थे जेयर बोल्सोनारो। नेक्स्ट, किस राज्य में नई ईल सांप प्रजाति की खोज हुई, इस सांप प्रजाति का नाम मैं आपको बता दूं, ओफिचस कैलाश चंद्रई, तो उड़ीसा में खोजा गया, ठीक है, सी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करते जाइए। अगला है, हाल ही में STEM में महिलाओं पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। STEM के बारे में आपको बता रहा हूँ, तब तक आप लोग आंसर करिए। STEM का मतलब होता है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ, तो इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कहाँ पर आयोजन करा गया, नई दिल्ली में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया, किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है, गति नाम का, ठीक है, GATI। नेक्स्ट, सैमसंग के नए प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त किए गए, तो कौन होंगे अब, केन कांग, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के लाल किला मैदान में कौन सा पर्व शुरू हुआ, नई दिल्ली के लाल किले मैदान पर कौन सा पर्व शुरू हुआ गणतंत्र दिवस के अवसर पर। दोस्तों, हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष ये आयोजित किया जाता है, किस नाम का, भारत पर्व नाम का पर्व, ठीक है, झांकियां निकालते हैं सभी स्टेट अपने अपने। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे बनाया गया, नया कमिश्नर किसे बनाया गया दिल्ली पुलिस का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुबोध जायसवाल को, इनको बनाया गया दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर। अभी यूपी पुलिस ने भी 2 शहरों में कमिश्नर प्रणाली शुरू कर दी है, कौन कौन से, लखनऊ और नोएडा में। लखनऊ के बने हैं सुजीत पांडे और नोएडा के पुलिस कमिश्नर बनाए गए आलोक सिंह, ये दोनों पहले पहले पुलिस कमिश्नर हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट,
हाल ही में भारत और किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के साथ 210 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, ग्रामीण विकास के लिए ये किया गया है। 210 मिलियन डॉलर का वर्ल्ड बैंक के साथ किसने किया? महाराष्ट्र ने। ठीक है, सॉरी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा बना? सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य इस बार उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। किसने? पश्चिम बंगाल ने। अच्छा, पश्चिम बंगाल है सब्जी उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य, और फलों का अगर पूछा जाए तो फलों के उत्पादन मामले में सबसे ऊपर है आंध्र प्रदेश, जो कि पिछली बार भी था। नेक्स्ट, किस राज्य ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 जीता? किस राज्य ने जीता है? तो उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, 62वें ग्रैमी अवार्ड 2020 में सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? 62वें ग्रैमी अवार्ड 2020 में सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो दिया गया बैड गाय को। ठीक है, बिली इलिस को मिला बैड गाय गाने के लिए। ठीक है, बैड गाय गाने को, ये तो सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला है, एक और अवार्ड मिला है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। क्या? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। और ये जो है आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है, व्हेन वी ऑल फॉल एस्लीप वेयर डू वी गो, वी कर दीजिए, वेयर डू वी गो, ये भी बिली इलिस ने ही गाया है, और इस गाने को एल्बम ऑफ द ईयर मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने एयर इंडिया की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? एयर इंडिया की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा? 100%, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, एयर इंडिया घाटे में चल रही है तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ गया है, इस वजह से 100% हिस्सेदारी भारत सरकार से बेचेगी प्राइवेट सेक्टर को। नेक्स्ट, हाल ही में किस पत्रकार को केरल मीडिया अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? कौन से पत्रकार हैं वो? द हिंदू के हैं संपादक एन रामजी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे काफ़ी दिनों से कि NTPC के लिए कुछ इंपॉर्टेंट GK GS के भी क्वेश्चंस दिए जाएं शाम को, तो उनके लिए दो नए टीचर्स आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। अब उनकी वीडियो जल्द ही आना शुरू हो जाएगी, इनफैक्ट कल से आना शुरू हो जाएगी, तो आप लोग को अपना सपोर्ट दिखाना है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है वो लोग। अगर आप लोग अपना अपना सपोर्ट दिखाएंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, तो वो आप लोगों से बहुत ही अच्छे से इंटरेक्ट हो पाएंगे और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाएंगे आपके लिए। अब आपको करना क्या है कि किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बताते जाइए, मैं उस पर वीडियो बनवाऊँगा। बहुत ही अच्छे टीचर हैं दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं वो लोग। ठीक है, दोनों टीचर, और आपसे आपको बहुत ही अच्छी वीडियोज़ मिलने लगेगी इस प्लेटफॉर्म पर। जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पर वीडियो बनवाई जाएगी। लेकिन आपको वीडियो को रेगुलर देखना है, वीडियो पर सपोर्ट अपना दिखाना है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर आप शेयर कर पाओ शेयर करो ज़रूर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 26 जनवरी को। कब? 26 जनवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल कस्टम्स डे। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने शिव भोजन योजना शुरू की? 26 जनवरी के अवसर पर शुरू की गई थी गरीबों को 10 रुपये में भोजन देने के लिए। शिव भोजन योजना किसने शुरू की थी? महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस प्रसिद्ध अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया? आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें ये और इनकी बेटी समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। कौन थे वो? कोबे ब्रायंट थे, इनकी बेटी का नाम जियाना ब्रायंट था, दोनों की मृत्यु हो गई। बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, काफ़ी लेजेंड खिलाड़ी माने जाते थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने विधान परिषद को ही समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया? तो मैंने इसके बारे में बहुत बार आपको बताया है, किस राज्य सरकार ने? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। दरअसल ये 3 राजधानियां लाना चाहती है और इसके कानून पास करने में विधान परिषद का कोई रोक टोक ना हो, इस वजह से ये विधान परिषद को ही समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिए। अगला है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन हुआ? सुपर फैब लैब तो किस राज्य में हुआ? केरल में हुआ, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्जन सरेक ने इस्तीफा दे दिया? किस देश के प्रधानमंत्री थे मार्जन सरेक जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? स्लोवेनिया के। किसके? स्लोवेनिया के। अगला है, हाल ही में IBA के नए CEO कौन बने? IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसके CEO कौन बने हैं? सुनील मेहता जी। इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार, जो SBI के भी हैं। अगला है, तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया?
तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन। आपको हिंट दे दूं, आलू उत्पादन के मामले में गुजरात सबसे ऊपर है, टॉप पर है। तो कहाँ पर आयोजन किया गया? गांधीनगर में। नेक्स्ट, भारत का पहला एनिमल वार मेमोरियल कहाँ खोला जाएगा? पहला एनिमल वार मेमोरियल कहाँ खोला जाना है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हर्षवर्धन सिंगला थे लेकिन इनको विदेश सचिव बना दिया गया, तो अब तरनजीत सिंह संधू को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किसे हरित रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हरित रत्न पुरस्कार डॉक्टर एन कुमार को। किसे? डॉक्टर एन कुमार को। इन्हें को कौन है? ये तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 50 पेंस के सिक्के का अनावरण किया? 50 पेंस का सिक्का। इन सभी क्वेश्चंस को दोस्तों मैं आपका रिवीजन हमेशा कराता रहता हूँ, जैसे ही उससे रिलेटेड कोई टॉपिक आता है डेली करंट अफेयर वीडियो में, तो पुराने दिनों में जो जो क्वेश्चंस आए रहते हैं उनको मैं आपका रिवाइज जरूर कराता हूँ। आप लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो जरूर देखा करो समय निकाल करके। 50 पेंस का सिक्के का अनावरण किसने किया है? ब्रिटेन ने। क्यों? क्योंकि वो ब्रेग्जिट किया, ब्रेग्जिट यानी कि ब्रिटेन अलग हुआ, एग्जिट हुआ, किससे? यूरोपीय संघ से। अभी आएगा आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने कब तक 100% बिजली से संचालित होने की घोषणा की है? इंडियन रेलवे 2024 तक, 2024 तक ये कहा है कि 100% बिजली से ही चलेगा भारतीय रेलवे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आभासी पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया? वर्चुअल पुलिस स्टेशन उड़ीसा ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले में मेट्रो एक्वा लाइन का उद्घाटन किया गया? मेट्रो एक्वा लाइन कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र के नागपुर में। ठीक है, नेक्स्ट, 71वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य की झांकी ने जीता है? असम की झांकी ने। ठीक है, आपको सेकंड का भी पता होना चाहिए। सेकंड पर दो राज्य थे संयुक्त रूप से, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में कतर के नए प्रधानमंत्री कौन बने? कतर के नए प्रधानमंत्री तो ये बने हैं शेख खालिद अब्दुल अजीज अल सानी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने कहाँ पर कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला संयंत्र शुरू किया? कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला संयंत्र भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। 1.79 करोड़ की लागत का ये बना था। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ष 2019 का हिंदी शब्द किसे चुना है? वर्ड ऑफ द ईयर, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? संविधान को। ठीक है, क्लाइमेट इमरजेंसी को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, संविधान को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, और दे नाम के वर्ड को इसे अमेरिकी भाषाविदों ने वर्ड ऑफ द डिकेड चुना था। अगला है, वर्ष 2022 तक भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ से होगी? हिंट दूँ आपको अगर, तो हुगली नदी में होगी। कहाँ पर है हुगली नदी? कोलकाता में। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में प्रणब मुखर्जी ने किसकी आत्मकथा रिलेंटलेस का विमोचन किया? रिलेंटलेस इसका विमोचन किया है, किसकी आत्मकथा है ये? तो ये यशवंत सिन्हा की ऑटोबायोग्राफी है, प्रणब मुखर्जी जी ने इनका इसका विमोचन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान का निधन हो गया? पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन कौन थी? सुनीता चंद्रा। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, अर्जुन अवार्ड पा चुकी हैं। 1963 से 1966 तक ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन रही थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे ऊंचाई पर फैशन शो का आयोजन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? दुनिया में सबसे ऊंचाई पर फैशन शो का आयोजन एवरेस्ट के ही एक बेस है, उसी बेस पर आयोजित किया गया था, तो नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, तो वहीं पर हुआ। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ? दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर हैदराबाद तेलंगाना में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों ई बुक आ चुकी है, ई बुक जिन लोगों ने नहीं परचेज़ किया है परचेज़ कर लो। इस बार की ई बुक बहुत ज़्यादा एडवांस बनाई गई है, आप लोगों के फीडबैक को ध्यान में रखकर बनाई गई है, और इस बार बहुत सारी नई नई चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं बहुत नए तरीके से, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है आपको पढ़ने में। और दोस्तों ई बुक परचेज़ करने के बाद जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लिक करके आप परचेज़ करोगे तो आपकी ईमेल पर जाती है ई बुक। अगर आप ईमेल पर सर्च नहीं कर पा रहे हो तो आप अपना ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो आपको 24 घंटे के अंदर भेज दी जाएगी वो। नेक्स्ट बात करते हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर 16वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ? 16वां अंतर्राष्ट्रीय, असल में इसे मुंबई कर लीजिए, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो ये मुंबई में ही आयोजित हुआ। ठीक है, ये दोस्तों नॉन फीचर फिल्मों पर होता है, बाकी जो आयोजन होते हैं वो फीचर फिल्मों पर होते हैं, ये नॉन फीचर फिल्में हो गई, एनिमेशन एनिमेटेड मूवी हो गई, उस पर होता है। अगला है, दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन बना? तो दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर, आज ही की वीडियो में मैंने आपको बताया था, बेंगलुरु है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में आपदा राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? मेडागास्कर में डायना नाम का तूफान आया था, उसके लिए इंडियन नेवी ने दोस्तों ऑपरेशन वेनिला चलाया था, ठीक है, आपदा राहत के लिए। नेक्स्ट, TERI द्वारा कहाँ पर वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 का आयोजन किया गया? TERI द्वारा, तो कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। TERI का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है, हाल ही में कब राष्ट्रपिता गांधी जी की 72वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो कब मनाई गई? 30 जनवरी को, सभी को पता होगा, शहीद दिवस भी मनाया जाता है इस दिन, और इसी दिन मनाया जाता है विश्व कुष्ठ रोग दिवस। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस देश से भारत में अफ्रीकी चीते लाने को मंजूरी दी है? तो सुप्रीम कोर्ट से भारत में दोस्तों कहाँ से चीते लाए जाएंगे? नमीबिया से, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है, वर्ष 2020 का टायलर पुरस्कार किसने जीता? टायलर पुरस्कार, ये पर्यावरण क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है, तो 2020 के लिए पवन सुखदेव को और ग्रेट चेन डेली को दिया जाएगा, उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, बर्लिन साइकिलिंग टूर्नामेंट 2020 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? बर्लिन साइकिलिंग टूर्नामेंट SO11 ने जीता है, जो कि भारतीय मूल के हैं। अगला है, केविन केयर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? जो कौन बनाए गए हैं, अक्षय कुमार और इलियाना डिक्रूज, इन दोनों को, केविन केयर का एक प्रोडक्ट है इंडिका, वो हेयर प्रोडक्ट है, हेयर केयर प्रोडक्ट है, तो उसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इन दोनों को। अगला है, हाल ही में किस संगठन ने कोरोना वायरस के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? कोरोना वायरस आपको सभी को पता होगा, चाइना में फैला हुआ था, चाइना से निकला हुआ है और विश्व भर में फैल रहा है, तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। अगला है, हाल ही में RBI ने किसे मौद्रिक नीति समिति यानी MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का सदस्य नियुक्त किया है? तो किसी नियुक्त किया है, जनक राज जी को, ठीक है, इनके इससे पहले माइकल पात्रा थे, लेकिन माइकल पात्रा को RBI का डिप्टी गवर्नर बना दिया गया। नेक्स्ट, हाल ही में 34वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 कहाँ आयोजित किया गया? सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पर आयोजित हुआ? ये फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित हुआ। कहाँ पर? फरीदाबाद हरियाणा में, और इसमें हिमाचल प्रदेश को फोकस स्टेट चुना गया था और उज्बेकिस्तान को फोकस कंट्री चुना गया था, हरियाणा फरीदाबाद में ये आयोजित हुआ था। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने कहाँ पर इंटरसेप्टर बोट C-448 को कमीशन किया? C-448 इसको कहाँ पर कमीशन किया गया है? न्यू मंगलोर पोर्ट पर, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है, भारत और किस देश के बीच संप्रीति 9 नाम का युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ? संप्रीति 9 ये भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित होता है, इस बार 9वां संस्करण था। कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ दोस्तों उमरेई मेघालय में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है ये? तो अभी मैंने आपको बताया था 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर। अगला है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार किसने जीता? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 रानी रामपाल ने। कौन है ये? रानी रामपाल दोस्तों भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है, किस कंपनी ने भारतीय समाचार साक्षरता को बढ़ाने के लिए $1 मिलियन देने की घोषणा की है? तो किसने घोषणा की है? गूगल ने। अगला है, ऑस्कर गेस्ट सेगमेंट की आर्केस्ट्रा की अगुवाई करने वाली पहली महिला कौन बनी? ऑस्कर गेस्ट सेगमेंट में आर्केस्ट्रा की अगुवाई करने वाली पहली महिला ये बनेंगी आइमर नूर। आइमर नूर दोस्तों ये हैं आयरिस की। ऑस्कर अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है, इस पर भी वीडियो मैं आपको जल्द ही दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रसिद्ध थिएटर कलाकार को फ्रांस के विशेष नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? संजना कपूर को, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये काफ़ी फेमस थिएटर एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, इनको फ्रांस के विशेष नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में किसने संसद में केंद्रीय बजट 2020-21 पेश किया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। केंद्रीय बजट पर वीडियो आपको जल्दी ही प्रोवाइड की जाएगी।
अगला है, गोवा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेल 2020 का शुभंकर किसे चुना गया है? राष्ट्रीय खेल 2020 इसका शुभंकर चुना गया है रूबी गुला को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया कि अब टीचर्स आ गए हैं तो अब आपको वीडियो जल्दी जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अभी तक क्या था, मैं अकेला पढ़ जाता था तो वीडियो भी बनाना रहता था, ई बुक भी बनानी रहती थी आप लोगों के लिए, ठीक है, और मॉक टेस्ट भी ला रहा हूँ तो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती थी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लोड पड़ जा रहा था। अब दो नए टीचर्स आ गए हैं तो अब आपको वीडियो के टॉपिक बताने हैं, वीडियो जल्दी जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। और जैसा कि आप लोग इस चैनल की खास बात जानते हैं कि टू द पॉइंट रहा जाता है, टू द पॉइंट पर फोकस किया जाता है, फालतू में लाइव क्लासेस के चक्कर में घंटे दो घंटे आपके बर्बाद नहीं किए जाते हैं। वही चीज़ जो आपको एक घंटे में मिलेगी और चैनल पर, वही यहाँ पर 15 से 20 मिनट में आपको मिल जाएगा, टू द पॉइंट केवल फैक्ट। तो इस वजह से आप लोग इस चैनल पर बने रहेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और करवाएंगे भी अपने दोस्तों से, ऐसी हमारी उम्मीद है। अगला है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का अंतरिम पुलिस महानिदेशक बनाया गया? तो अभी हाल ही में अंतरिम पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है? हितेश चंद्र अवस्थी जी को। अभी अभी मैंने आपको बताया कि सुजीत पांडे लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर बने, आलोक सिंह नोएडा के पहले पुलिस कमिश्नर बने, हितेश चंद्र अवस्थी अब बन जाएंगे अंतरिम पुलिस महानिदेशक, क्योंकि ओपी सिंह जो थे वो इस्तीफा दे दिए। अगला है, कहाँ पर 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव 2020 शुरू हुआ? नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा बहती है मध्य प्रदेश में, तो आप लोग को मध्य प्रदेश लगा देना है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ छोड़ा? मैंने अभी आपको बताया था ब्रेग्जिट, ठीक है, ब्रेग्जिट यानी ब्रिटेन एग्जिट हुआ, किससे? यूरोपीय संघ से, आधिकारिक रूप से अब ये अलग हो चुका है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के दोनों जेट इंजन वाले किस विमान ने उड़ान भरी? तो दोनों जैव जेट इंजन वाले एक AN-32 नाम का विमान था, उसने अभी हाल ही में उड़ान भरी है, सक्सेसफुली उड़ान हुई है। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला पेशेवर फुटबॉलर कौन बनी? तो भारत की पहली महिला फीमेल प्रोफेशनल फुटबॉलर बन गई है बाला देवी, ये मणिपुर की हैं। अगला है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? वुमेन सिंगल का। ऑस्ट्रेलियन ओपन पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई है, क्विज भी आपको मिल जाएगी, और इसको जीत लिया है दोस्तों महिला एकल का सोफिया केनिन ने, ठीक है, सोफिया केनिन ने महिला एकल जीता है। पुरुष एकल किसने जीता है? तो मेन सिंगल जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले खिलाड़ी हैं, 8 बार इन्होंने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? महिला युगल का यानी कि वुमेन्स डबल्स का, तो इसको जीता है दोस्तों क्रिस्टीना मेलेंडोविक और तिमिया बाबोस ने, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुषार कांजीलाल का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तुषार कांजीलाल ये दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, लेखक भी थे और पर्यावरणविद भी थे, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो बस दोस्तों ये तो था इस वीक का करंट अफेयर, ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीक का यानी कि 2 फरवरी की बात से, 3 फरवरी से लेकर के बाकी का जब तक होगा आपको दिया जाएगा करंट अफेयर, आपका रिवाइज कराया जाएगा बहुत ही जल्द। अब तक वीडियो इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि ई बुक में बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ गया था, बहुत ही एडवांस तरीके से इस बार ई बुक बनाई गई है, आप सभी को पसंद आएगी। ई बुक अगर नहीं परचेज़ की हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग परचेज़ कर सकते हो। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और आप लोग वीडियो के टॉपिक बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।